हे गाइस, मेरा नाम है व्रेन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टैक व्रेन रावत में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि हमारा शॉप मेन्यू में ई पिन परचेसिंग कैसे होती है। अगर आपको ई पिन परचेस करना है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसका फुल प्रोसेस, न्यू प्रोसेस क्या है प्लान बी के अंदर, वो हम आपको समझाएंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ठीक है गाइस, तो स्क्रीन की तरफ चलने से पहले, तो सबसे पहले जो हमारे इस चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर, वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जो पुराने हैं वो वीडियो पे बने रहें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो गाइस, अब चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज हम आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो इस तरीके सबसे पहले आपको क्या करना है, आईडी को फटाफट से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन इस तरीके से आपको करना है। लॉगिन होते ही इस तरीके का आपका इंटरफेस नज़र आएगा। इंटरफेस नज़र आने के बाद आपको सबसे पहले कंपनी को पेमेंट कर देना है, जो कि कंपनी का पेमेंट नंबर आपको पता ही है और आपके पास QR कोड भी है कंपनी का। तो आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इस जगह पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद सेकंड थिंग आपको क्या करना है, पेमेंट रिसीप्ट, जो भी आपके पास पेमेंट हो करते हो उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम सब कुछ शो करेगा। ठीक है, वो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक पेमेंट रिसिप्ट आप क्लिक करोगे, उसके बाद एक आपको इंटरफेस खुलेगा पेमेंट रिसिप्ट के बाद अपलोडिंग का, जहाँ पर उस रिसिप्ट को आपको अपलोड करना है। ठीक है गाइस, सॉरी, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। तो इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज़ प्रोफाइल में जाएंगे और जहाँ भी आपकी गैलरी में वो रिसिप्ट रखी है वो यहाँ से चूज़ करेंगे और उस फोटो को सिलेक्ट करके अपलोडिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं कोई से भी फ़ोटो ले लेता हूँ, मैंने अभी तो मैंने जैसे आप लोग के आ गई है, ये पूरी मेरी रिसिप्ट हो जाएगी। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ, ऐसी आप ऐसे किसी को भी मत चूज़ कर देना, आपको रिसिप्ट ही रखनी है। उसके बाद जो भी आपका अमाउंट था उतना अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देना है और ट्रांजेक्शन आईडी जो भी आपकी है वहाँ पे, वो यहाँ पे UTR नंबर या ट्रांजेक्शन नंबर अपना यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है गाइस, इतना आपको रिसिप्ट करने का प्रोसेस है, यहाँ तक आपको ये कर देना है। आपको करते ही जैसे ही आप कर देंगे तो आपके वॉलेट में आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका 500 रुपये, या आप अगर करते हो या 1000 करते हो, जो भी करते हो, वो आपका अमाउंट यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपके पास अमाउंट आ जाता है, ठीक है, तो आप माई ऑर्डर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट कई बार शो कर जाएगा कि कितना आपका, मतलब जो अपने जो ऑर्डर लगाते हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो आपको पैसे जैसे ही आपके वॉलेट में आ जाए, वहाँ से विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। वो 500 करो, 1000 करो, कंपनी वो कर देती है। फिर आपको शॉप पे जाना है। नॉर्मल सी बात, आप जानते हैं कंपनी डायरेक्ट सेलिंग से है, ई कॉमर्स सिस्टम है, तो आपको परचेसिंग करनी होगी। ठीक है, तो कंपनी ने लिखा हुआ है 250 का है, जैसे 50 रुपीज़ का है। यहाँ दो प्रोडक्ट हैं, अमास्क और कीयर चिप्स है। मान लीजिए आपने 500 का एग्जांपल ले लेते, 500 किया तो इसमें आपके पाँच ही आ जाएंगे, है ना, 10 पीस आ जाएंगे। ठीक है, 10 पीस आपको क्या करना है, यहाँ से आप 10 पीस क्यों आएंगे, सॉरी 20 पीस आ जाएंगे ना, 20 मान पाँच लीजिए, हाँ ठीक है। तो आप अपना ये बुक कीजिए यहाँ से। ठीक है ना, आपके कितने प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट हैं, सॉरी 10 प्रोडक्ट हैं, 500 में 10 प्रोडक्ट आएंगे, तो अपना व्यू कीजिए तो दोनों 5-5 आ जाएंगे। अगर आप मास्क लेना है तो ये कीजिए, रुमाल लेना है तो कीजिए, टोटल या सिंगल या कॉम्बो ये रहा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप अपना ऑर्डर लगा दीजिए किसी भी क्लिक करके, जिससे मैं मान लीजिए मुझे दोनों ही चाहिए, ठीक है, 5 मास्क और 5 रुमाल, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा आ गया है। यहाँ पे मेरा 50 रुपये का पर आइटम पड़ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है मेरे को 500 खरीदना है, पिन बैलेंस मेरा अभी 0 है, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये आपका शो कर जाएगा। ठीक है ना, क्वांटिटी आपकी 10 नज़र आ जाएगी आपको। फिर आपको सीधा परचेस पिन पे क्लिक कर देना है, कंफर्म परचेस करके फिर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप करेंगे, पिन क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करनी होती है, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कर लेना वहाँ पे 10 पिन जो भी आपको चाहिए, 5 पिन चाहिए, वो ऐसे करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही आपको फिर क्या करना है, मेन मेन्यू पर जाएंगे। मेन मेन्यू पर जाने के बाद पहले मैं वापस होम पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और होम पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे आते ही सबसे फिर हम मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे पिंस का ऑप्शन है, पिंस पे आप क्लिक करना और एक्टिव पिंस पे क्लिक कर देना। जब इसी आप एक्टिव पिंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सारे ई पिन आपको शो हो जाएंगे जो आपने परचेस किए हैं। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको स्पीड में। तो आपको सिर्फ पेमेंट करनी है, पेमेंट करके अपना स्लिप अपलोड करना है और शॉप पे जाके उसको परचेस कर देना है और यहाँ आपके पिन शो कर जाएंगे। ठीक है, आशा है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।